अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ ट्रैवल विद किचन सफ़रा। आज हम आपके साथ बनाने जा रहे हैं मिलके लोबिया की दाल। ये देखिए, ये दाल है लोबिया की, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आइए चलते हैं बनाने। देखिए, हमने अपनी दाल धो के जो है भिगो दी है, करीब 15-20 मिनट के लिए भिगो दी है, और जब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। माँ, तेल जो है कुकर में गर्म हो गया है, अब हम अपनी दाल बनाने के लिए रेडी हैं। अब हम इसमें एक गट्ठी छोटी प्याज डाल देंगे और इसको हल्का गुलाबी होने देंगे। हमारी प्याज हल्की गुलाबी हो गई है, अब हम इसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, एक बड़ा चम्मच, और इसे अच्छे से भून लेंगे। मसाले को अच्छे से भून लें और फिर इसमें एक छोटा टमाटर और दो हरी मिर्च काट के ऐसे डाल दें, और इसे भी थोड़ी देर भूने मसाले के साथ, और फिर नमक मिर्च और हल्दी मिला दें। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, हल्दी एक चम्मच और मिर्च भी एक छोटा चम्मच, आप जैसा भी तीखा खाते हो। मसालों को खूब अच्छे से मिक्स करके भून लिए। टमाटर जब तक गल ना जाए और जो है मसाला अपना तेल ना छोड़ दे, तब तक इसको भूनिए। देखिए, हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, तेल छोड़ दिया मसाले में, टमाटर भी गल गए हैं। अब हम जो है अपनी दाल इसमें मिला देंगे जो हमने धो के रखी थी, इसका ये पानी फेंक देंगे। इसकी दाल इसमें डाल देंगे मीडियम, और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। थोड़ी देर इसको भून लेंगे मसाले के साथ, ताकि जो दाल की ग्राइंड है कच्चापन वो चला जाए। दाल अच्छे से भून गई है, अब हम इसमें जो है पानी मिला के सीटी लगा देंगे। कम से कम 3 सीटी लगाएंगे इसमें, ताकि ये खूब अच्छे से गल जाए। अब हम इस पर ढक्कन लगा लेंगे, हम कम से कम 3 सीटी लेंगे। खड़ी करी थी, एकदम गली हुई दाल है, दाल हमारी एकदम गल चुकी है। अब हम इसमें अपने ये हरी मिर्च कतरी हुई और ये हरा धनिया डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसको चाहें तो ऐसे भी खा लिए, बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन हम इसके ऊपर से बघार करेंगे। देखिए, तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये हींग डाल देंगे और जीरा, और ये प्याज डाल देंगे। अब हम अपनी दाल प्याले में सर्व करते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। ठीक है, हमारी दाल सर्व हो गई, अब हम इसके ऊपर से बघार करेंगे प्याज जीरा और हींग का। बहुत ही लाजवाब दाल बन के तैयार हुई है और बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।